मुआवजा नियोजन की मांग को लेकर आउटसोर्सिंग उत्खनन स्थल में बैठे रैयतों के साथ पुलिस की नोकझोंक। पुलिस ने 4 रैयत को किया गिरफ्तार। स्थिति तनावपूर्ण, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। धनबाद जिले के तेतुलमारी थाना क्षेत्र बीसीसीएल एरिया 4 अंतर्गत संचालित भूमि आउटसोर्सिंग कंपनी का रैयत पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत मुआवजा नियोजन की मांग को लेकर धरना दे रहे रैयतों के साथ पुलिस की बहसबाजी। नोकझोंक हो गया। सैकड़ों ग्रामीण आउटसोर्सिंग कंपनी के उत्खनन स्थल पहुंच काम को बंद करा रहे थे। पुलिस सूचना पर पहुंची, जहां बहसबाजी के बाद नोकझोंक हो गई। मौके से 4 रैयतों को पुलिस ने गिरफ्तार कर थाने ले आई। वहीं घटना के बाद मौके पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, जिसे देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं गिरफ्तार रैयत के परिजनों ने कहा कि आउटसोर्सिंग कंपनी बिना मुआवजा नियोजन के लिए कोयला उसकी जमीन से निकाल रही थी, जिसके विरोध में पूर्व सूचना के बाद धरना दे रहे हैं। पुलिस बीसीसीएल आउटसोर्सिंग प्रबंधन मनमानी कर रही है। पुलिस जबरन उनके पति देवर दो भगना को गिरफ्तार कर लिया, उन्हें बंद करवाया। और आज हम लोग जब अपना जमीन का मुआवजा हम लोग मांग रहे हैं, हम लोग किसी का जमीन का हम लोग मुआवजा नहीं मांग रहे हैं। हम लोग अपना जमीन, हम लोग अपना जमीन पे बस काम करने से मना कर रहे हैं कि बस आप लोग सबका जमीन पे काम कीजिए, मेरा जमीन छोड़ करके। और अगर आप मेरा जमीन पे काम करना चाहते हैं तो आप उसके एवज में जो उसका मुआवजा होता है वो हमको दीजिए और नियोजन दीजिए। नियोजन कहते हैं कि हमको नियोजन दे दिए हैं। नहीं, कंपनी हम लोगों से किसी भी प्रकार का कोई बात नहीं की। वो बोलती है कि बीसीसीएल बात करेगी। आज बंदी का पहले से किया हुआ था, पहले से धरना दिया गया था के लिए पेपर दिया गया था लिखित कि हम लोगों को मुआवजा दीजिए, नहीं तो हम लोग काम बंद करेंगे। कंपनी को कंपनी करवा के अंदर करवा दिया है और वहाँ स्थानीय लोगों से मिल करके हम लोगों के साथ जबरन मारपीट किए हैं वो लोग, और ऊपर से धक्का दे दिए हैं। एक विकलांग मेरा भगीना है, उसको ऊपर से उन लोगों ने धक्का दे दिया। अभी आप थाना आए हैं क्या, कुछ मामले? नहीं, अभी हम लोगों को ना ही मेरे परिजन से अभी मिलवाया गया है और ना ही किसी भी प्रकार का कोई हम लोगों को कुछ बोला गया है। थाना में किसको अरेस्ट किया गया अभी तक? मेरे हस्बैंड है, मेरा देवर है, मेरा दो भगीना है। चार आदमी अरेस्ट, जबरन खींच करके बैठा करके लाई है और जबरन मेरा भगीना को ऊपर से ढकेल भी दिया है।